नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री टेलीप्राइम में करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आज बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर स्टॉक को बनाएंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन होती है, कई सारे आइटमों को मिला के एक आइटम बनाया जाता है, उस केस में बिल्स ऑफ मटेरियल यानी बॉम क्रिएट होता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करके यहाँ पर हम टैली में आइटम को क्रिएट करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, आइटम की कंजप्शन होती है रॉ मटेरियल से, फिर जाके फिनिश गुड निकलता है। चलिए समझेंगे, आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करेंगे टैली प्राइम में, ठीक है। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों देखो क्या है, समझाता हूँ मैं आपको। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपने स्टॉक को बाइफरगेट करते हो कि नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, यहाँ मैंने स्क्रैप, कंपोनेंट और फिनिश गुड तीन तरह के आइटम बना रखे हैं जिनका बाइफरगेशन कर रखा है। देखो ये फिनिश गुड हो गए, ठीक है, और ये कॉम्पोनेंट्स हो गए जिसमें बहुत सारे आइटम हैं, और ये स्क्रैप जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान कुछ वेस्ट चीज़ें भी निकलती है जो कि स्क्रैप में जाता है, ठीक है। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग कि एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको एक तो स्टॉक जर्नल बनाना होगा, क्रिएट में जाके आपको करना क्या है, यहाँ पे नया वाउचर टाइप क्रिएट करना, तो वाउचर टाइप में जाओगे और वाउचर टाइप में जाके यहाँ पे आप लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद यहाँ से लोगे स्टॉक जर्नल, एंटर करोगे ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस करना है, एंटर कर दिया, एंटर करके सेव करेंगे। उसके बाद करना क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं एक नया आइटम मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, एक आइटम भी क्रिएट कर लेता हूँ कि मैं एक फिनिश गुड बना रहा हूँ। फिनिश गुड क्या है मेरा, फिनिश गुड दिखाता हूँ, यहाँ पे आएंगे क्रिएट में और यहाँ से आ जाएंगे स्टॉक आइटम में, ठीक है। फिनिश गुड बना रहा हूँ जो कि मेरे पास ये है 1.5 लीटर प्रेशर कुकर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं, और ये मेरा जो है वो फिनिश गुड का पार्ट है। फिनिश गुड मैंने ग्रुपिंग कर रखी है, ग्रुप बना रखा है, आप यहाँ पे ऑल्ट सी करके ग्रुप बना लेना, मैंने ग्रुपिंग बना रखी है। देखो ये ग्रुप है, ठीक है, स्टॉक ग्रुप, फिनिश गुड रख लिया, उसमें मैंने एचएसएन कोड डिफाइन कर रखा है, मेरा एक ही सेम एचएसएन कोड है, सिंगल एचएसएन कोड है, उसी एचएसएन कोड पे सेल करता हूँ। देखो एचएसएन कोड और रेट भी डिफाइन कर रखा ग्रुप के अंदर ही, तो आइटम पे ऑटोमेटिक वो एचेशन कोड लग जाता है, ठीक है ना, और रेट भी ऑटोमेटिक लग जाता है, बस मेरे को ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं कोई भी कुछ नहीं डालूंगा, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये ग्रुप के अकॉर्डिंग उठा रहा है, देखो स्टॉक कंपनी है ग्रुप के अकॉर्डिंग अपने आप ही उठा रहा है। गुड्स कर लिया, ये कर दिया सेव। अब करना क्या, देखो अल्टर में जाएंगे और जो मैंने आइटम क्रिएट किया था स्टॉक आइटम में जाके ये, और 1.5 लीटर मैंने प्रेशर कुकर क्रिएट किया था ये, अब इसमें जाऊंगा और यहाँ पे आके F12 करूँगा, F12 करके सो ऑल फीचर्स को यस कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से एंटर करके नीचे जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सेट कंपोनेंट्स लिस्ट, कंपोनेंट्स लिस्ट मतलब बिल्स ऑफ मटेरियल, यहाँ आपको इस वाले ऑप्शन को, बॉम्ब वाले ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। इसी के ज़रिए हम डिफाइंड करेंगे कि इस 1.5 लीटर प्रेशर कुकर को बनाने के लिए मुझे कितने आइटम लगाने पड़े या कितने आइटम से मिलके ये बनाए, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता यही है कि एक पार्ट बना रहे हैं तो उसमें कई सारे पार्ट लगने के बाद मैन्युफैक्चर होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं तो मैन्युफैक्चर होता है। तो सेट कंपोनेंट लिस्ट और बिल्स ऑफ मटेरियल में जाना है, इसको यस कर देना है, इसको यस कर देंगे। सेलिंग रेट और बाइंग रेट को भी यस कर लेते हैं, यहाँ पे मैं रेट डिफाइन कर रहा हूँ। स्टॉक का जो मेथड होता है, चाहो तो आप उसको भी यस या नो कर सकते हो। कोस्ट मैथ छोड़ दो, स्टॉक एलोकेशंस, बाकी एंटर करके सेव कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ मैं स्टॉक का मेथड भी सेव कर लेता हूँ, यस कर लेते हैं इसको, यहाँ से स्टॉक का मेथड भी आएगा। देखो यूज़ कोस्टिंग मेथड एंड मार्केट वैल्यूएशन मेथड, ठीक है, यस कर लिया, कोस्टिंग मेथड और मार्केट वैल्यूएशन मेथड फॉर स्टॉक आइटम को यस कर दिया, अभी सेव कर देते हैं। अब देखो फिनिश गुड आ गया, यहाँ पे देखो एनेबल कोस्ट ट्रैकिंग नो रखना है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कोस्ट, जो स्टॉक की वैल्यूएशन होगी मेरी वो स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड कोस्ट के हिसाब से होगी, यस कर लिया, ये सेव कर दिया, ठीक है।
अभी इसमें बॉम वाला जो ऑप्शन है वो आ नहीं रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 12 बिल्स ऑफ मटेरियल वाले को ऑप्शन को यस किया था। अच्छा ये रहा, यस करते हैं इसको। ये आ गया, देखो बॉम आ गया। बॉम आना चाहिए तभी आप इसके अंदर डिफाइंड कर पाएंगे कि एक आइटम को बनाने के लिए कितने आइटम लगे, कितने आइटम कंजप्शन हुआ, कितना आइटम का कंजप्शन हुआ। ठीक है, यस किया। अब यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल जो है उसको मैं बता रहा हूँ, रॉ मटेरियल कितने कितने मेरे लगेंगे। अब एक यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ मैं, एक यूनिट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या लगता है। सबसे पहले मेरा यहाँ पर लगता है शीट, जो कि एल्युमिनियम सर्कल शीट है वो कंज्यूम होता है, तो सर्कल शीट ले लिया। कितना होता है, 1.5 लीटर कुकर बनाने के लिए लगभग 1 किलो के आसपास एल्युमिनियम शीट है वो कंज्यूम होगा। तो पहले तो लोकेशन पूछ रहा है, लोकेशन ले लिया, यहाँ से 1 किलो ले लिया, 1 kg। फिर इसके बाद क्या क्या लगता है, इसमें हैंडल लगता है, हैंडल ले लेते हैं, हैंडल सेट, इसमें हैंडल सेट 2 पीस लगते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर लगता है बॉक्स लगता है, कोरोगेटेड बॉक्सेस केजी में, लगभग एक बॉक्स का वेट जो है वो लगभग 1 kg है, तो 1 kg ले लिया मैंने। फिर इसके बाद इसके अंदर लगता है रबड़ गैसकेट, रबड़ गैसकेट देख लेते हैं, जो कि गैसकेट के नेम से है। ये देखो रबड़ गैसकेट है, कितने पीस, 1 पीस रबड़ गैसकेट लगेगा। पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन भी लगता है, देख लेते हैं कितना है पॉलीथीन। देखो पॉलीथीन ये लगभग 100 ग्राम की पॉलीथीन लगती है, ये ले लिया। स्क्रू और नट लगते हैं, स्क्रू और नट कितना लगता है, 4 पीस लगता है स्क्रू नट। इसके अलावा इसमें लगता है पत्ती लगती है, पत्ती पत्ती ले लिया, 1 पीस पत्ती लगती है, 1 पत्ती लगती है, लगभग आधा किलो के आसपास उसका वेट है, तो ये ले लेते हैं। पत्ती के अलावा जाली लगती है इसमें, SS जाली, 1 पीस जाली लगती है, वो ले लेते हैं। इसके अलावा इसमें टेप लगती है, टेप का लेकिन इसमें मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मीटर्स में लगता है, थोड़ा सा टेप कंज्यूम होता है। टेप वाला पार्ट रहने दीजिए, सुरज मत बताइए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एक कुकर को बनाने के लिए कई सारे आइटम लग गए। अब एंटर एंटर करेंगे, यहाँ से कर देंगे सेव। ये मैंने बॉम सेट कर दिया इसके अंदर। अभी करना क्या है, इसके बाद वाउचर एंट्री में आएंगे और यहाँ से F7 करेंगे, जर्नल में जाएंगे, जर्नल। ठीक है, जर्नल में आ जाना, यहाँ जाके ऑल्ट F7 करना है। देखो मैन्युफैक्चर के नाम से बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के नाम से भी बना हुआ है, मैं मैन्युफैक्चर वाला लेता हूँ। देखो ये आ गया, अभी जो आइटम बनाया था 1.5 लीटर वो लेते हैं, 1.5 लीटर प्रेशर कुकर के नाम से बनाया था। देखो ये, अब इसमें देखो आपको बैक में दिख रहा होगा ऑटोमेटिक आइटम उठ गए। ठीक है, अभी एंटर करना है, लोकेशन उठा लिया, देखो ये आइटम उठ गया। अब मैं यहाँ पे जितने भी पीस प्रोडक्शन करूँगा उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई करके उतने आइटम को कंज्यूम कर लेगा। मान लो मैंने 1.5 लीटर प्रेशर कुकर 450 पीस बनाया, तो देखो ऑटोमेटिक इसने उतनी ही कंजप्शन कर ली सर्कल शीट की, हैंडल्स की, कोरोगेटेड बॉक्सेस की, गैसकेट्स की, पॉलिथिन बैग्स की, पत्ती की, तो ऑटोमेटिक ये कंजप्शन कर लेगा। बस आपको बताना है कि कितने पीस मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। ये देखो, तो यहाँ से अगर कोई बाय प्रोडक्ट होता है आपका, मान लो स्क्रैप भी निकल रहा है, तो यहाँ से स्क्रैप ले लो। ये देखो स्क्रैप ले लिया, मेरा 10% स्क्रैप निकलता है इसमें से, तो 10% लेके चलें तो ये आएगा 10% 45। ठीक है, स्क्रैप किसका निकलता है, सर्कल शीट का निकलता है मेरा, तो 10% 45 किलो आ गया, 450 किलो में से 45 किलो उसके स्क्रैप मेरा बन गया। अब इसको एंटर एंटर करके सेव करूँगा। इस प्रकार से ये मेरी आइटम जो है वो मैन्युफैक्चर हो चुकी है। स्टॉक रिपोर्ट में जाएंगे, फिनिश गुड में जाएंगे, और यहाँ से 1.5 लीटर, जो 1.5 लीटर मैन्युफैक्चर किया है मैंने, दिखाता हूँ आपको। ये देखो 450 पीस बन गया, रॉ मटेरियल को जो कि कंपोनेंट्स के अंदर है लैस किया है, चाहे वो एल्युमिनियम सर्कल शीट हो या हैंडल हो। ठीक है, ऑटोमेटिक इसने उसी हिसाब से लैस किया है जितना हमें यहाँ से, देखो तो जितना मैन्युफैक्चर किया ऑटोमेटिक इसने रॉ मटेरियल का कंजप्शन कर लिया। तो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर स्टॉक को बनाना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।